हेलो एवरीवन, मैं जेनियोल आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। जिन बच्चों ने जेई 2022 जिन बच्चों ने दिया था, उन बच्चों की जो काउंसलिंग होगी अब, तो देखो यार, आपको पहले से अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पहले से तैयार करा लेने चाहिए आपको, क्योंकि एट ए टाइम सारे के सारे डॉक्यूमेंट आपके तैयार नहीं हो सकते, क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको तहसील के अंदर या कोई भी ऑफिसर से आपको अगर साइन कराना हो तो आपका एट ए टाइम काम नहीं हो पाएगा। लेकिन आपको सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले से कलेक्ट कर लेने हैं। जोसा काउंसलिंग आपकी शुरू होगी, क्योंकि जेई एडवांस का जो रिजल्ट है वो टाइम पे ही आएगा। तो जो बच्चे जिन बच्चों को जोसा के अंदर काउंसलिंग करानी है, कौन से डॉक्यूमेंट की इंपॉर्टेंस रहती है, वो सारे के सारे आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर पूरा डिटेल में आपका एक एक चीज़ें अपने दिमाग से जितने भी डाउट है वो क्लियर कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहले जो हमारे पास है 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर, क्योंकि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसके अंदर मिलेगी भी, ठीक है। तो आपके पास ये चीज होनी जरूरी है भी, ठीक है, सबसे पहली चीज। दूसरी, आपकी प्लस टू की मार्कशीट होनी चाहिए, ठीक है भी। अब हमारे पास ये दो चीज तो हो गई, आपके पास मार्कशीट प्लस 10th और प्लस टू की। अब उसके बाद देखो, आपके पास आधार कार्ड सभी बच्चों के पास होता ही, आपको इसकी भी कम से कम 4 या 5 कॉपी आपके पास होनी चाहिए। अब उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटो, इसकी जो लगभग मान के चलो कि जो आपसे यूनिवर्सिटी है वो 5 से 10 फोटो आपसे कलेक्ट कर लेती है, तो कम से कम आपके पास 10 फोटो जरूर होनी चाहिए अपनी पासपोर्ट साइज। अगर जरूरत पड़ेगी उसी हिसाब से आपको वहां पे देनी होगी जब आपका एडमिशन होगा। अब उसके बाद अगर बात करोगे कि आपका एडमिट कार्ड जेई मेन प्लस एडवांस, क्योंकि जो बच्चे आईआईटी के अंदर जाएंगे तो उनको तो ये जरूरत पड़ेगी, जो बच्चे एनआईटी के अंदर जाएंगे जेई मेन की जरूरत पड़ेगी। तो ये दोनों आपके पास एडमिट कार्ड होने चाहिए। जिन बच्चों को आईआईटी में जाना है तो दोनों एडमिट कार्ड मेन प्लस एडवांस का, एनआईटी तक जाना है तो उन बच्चों को क्या, सिर्फ आपके पास जेई मेन का एडमिट कार्ड है होना चाहिए। अब उसके बाद हमारे पास आएगा देखो रैंक कार्ड, आपका रैंक कार्ड आपके पास होना चाहिए, जो स्कोर कार्ड होगा जेई मेन प्लस एडवांस का। आईआईटी के अंदर जाएंगे तो दोनों के आपके पास क्या होना चाहिए, रैंक कार्ड होना चाहिए। और जो बच्चे एनआईटी ट्रिपल आईटी जीएफटीआई के अंदर जाएंगे तो जेई मेन का आपके पास है होना चाहिए भी, ठीक है। अब बात करेंगे कि अगला नेक्स्ट कौन सा होगा, आपका कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए आपके पास। इसके अंदर देखो, जो बच्चे एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यूडी, ये सारे के सारे बच्चे, क्योंकि देखो ये तो हमारे पास कैटेगरी सर्टिफिकेट हो गए इतने, तो एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, जो पीडब्ल्यूडी के जो बच्चे हैं उनके पास भी अपना सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो देखो ये सारे के सारे आपको सर्टिफिकेट चाहिए, आपको जरूरत पड़ेगी, और सारे के सारे पहले से आपको तैयार करके रखने पड़ेंगे। तो आपको देरी नहीं करनी है, अभी से ही डॉक्यूमेंट अपने तैयार करवा लीजिए, आपके पास टाइम बहुत कम है। अब उसके बाद देखो ये कब के होने चाहिए, देखो भी 1 अप्रैल 2022 से आपके होने चाहिए, क्योंकि जिस बच्चे का अगर कोई भी जो सर्टिफिकेट है, जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, अगर पुराना हो चुका है तो वो नया बनवा ले, क्योंकि आपको इसका इस पे आपकी क्या डेट मेंशन होनी चाहिए कि 1 अप्रैल 2022 से आपका नया बना हुआ होना चाहिए। तो आपको ये नोटिस आ चुका है, उसके अंदर ये मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तो वहां पे आप जाके चेक भी कर सकते हो। अब उसके बाद आपके पास बैंक चेक होना चाहिए, अगर ये नहीं है तो पासबुक, जो पासबुक है आपकी वो आपके पास होनी चाहिए, उसकी जीरोक्स आपको चाहिए कि अकाउंट डिटेल आपके पास होनी चाहिए अपनी, क्योंकि जब आप काउंसलिंग करोगे तो आपकी जो फीस चार्ज जो लिया जाएगा, जो फीस आपको वापस की जाएगी तो आपके अकाउंट के अंदर ही आएगा, तो आपके पास बैंक की जो कॉपी है वो आपके पास होनी चाहिए, जो डिटेल है अकाउंट डिटेल है वो आपके पास है होने चाहिए। तो ये सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट है वो जेई 2022 जो सा काउंसलिंग जो बच्चे करवाने जा रहे हैं उन बच्चों के पास सारे के सारे ये होने चाहिए, इंपॉर्टेंट सारे के सारे हैं, इसमें आपके पास एक भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। सारे के सारे डॉक्यूमेंट वहां पे चेक किए जाएंगे, तो अभी से तैयार करवा लो। तो आज की जो वीडियो में आपके लिए एक अपडेट थी, बच्चों के पास बहुत सारे बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमारे को जोसा के अंदर कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको एक एक करके मैंने डिटेल में बता दिया। तो ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट पहले से प्रिपेयर कर लीजिए। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।